छत्रपति शिवाजी महाराज जब मिराज में थे तो पता चला सिद्धि जौहर 65,000 की फौज लेकर आ रहा है। क्या करना चाहिए? महाराज को खुद की रक्षा करनी चाहिए या स्वराज में रहने वाले प्रजा की रक्षा? इस राजा ने कभी भी खुद का विचार नहीं किया, पहले प्रजा की रक्षा की। महाराज ने विचार किया कि अगर मैं यहां से स्वराज के अंदर जाऊं तो ये सिद्धि स्वराज को ध्वस्त करते हुए मेरे पीछे आएगा। स्वराज की प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए सिद्धि को स्वराज की सीमा पर रोकना पड़ेगा। महाराज मिरर से सीधे पहनालगढ़ पहुंचे। पहनालगढ़ है स्वराज की सीमा पर। शिवाजी महाराज पहनालगढ़ पर हैं। ये सिद्धि को पता चला, सीधी सीधा स्वराज की सीमा के बाहर से आया पहनालगढ़ पर। पहनालगढ़ को सिद्धि की 65,000 फौज ने घेर लिया और स्वराज को सुरक्षित कर खुद महाराज सिद्धि के शिकंजे में फंस गए 6 महीनों के लिए। महाराज बाहर निकल सकते थे पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि महाराज सिर्फ 1,000 मराठों के साथ सिद्धि के 65,000 सैनिकों से कैसे लड़ सकते थे। संयम रखना पड़ा खुद पर। 6 महीने बीत गए, वो सिद्धि पीछे हटने को तैयार नहीं। कितने दिन फंस के रहे वहाँ पर। स्वराज का क्या हाल हुआ होगा? उनकी प्रजा उनके बिना कैसे जिएगी? कुछ करना पड़ेगा, महाराज ने सोचा। और महाराज की विलक्षण बुद्धि नई चाल बनाने लगी। महाराज को याद आई शिवा काशिद की, हूबहू छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे दिखने वाला शिवा काशिद। महाराज ने उसे बुलाया। शिवा काशिद को छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े पहनाए गए। शिवा काशिद हूबहू छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे दिखने लगा। पहनालगढ़ के उत्तर, दक्षिण और पूरब की ओर सिद्धि के सैनिकों का पहरा बड़ा ही जबरदस्त। बची हुई थी पश्चिम सीमा, गहरी घाटी, घनघोर जंगल, इसलिए सिद्धि का पहरा थोड़ा कम था। ऐसे में महाराज की नई चाल बनने लगी। बैलों के सिंगों में मसाले बांध दी गई। हजारों बैल पहनालगढ़ के पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर भगाए गए। सिद्धि के सैनिकों को लगा मराठे आक्रमण करने आ रहे हैं। पश्चिम की ओर से सैनिक उत्तर पूर्व की ओर भागने लगे और पश्चिम की ओर से खाली हो गया। उसी मौके का फायदा उठाकर महाराज ने बाजी प्रभु देश पांडे के साथ अपने सिर्फ 1,000 सैनिकों के साथ पश्चिम की ओर से रात के अंधेरे में बारिश में ही वहां से निकल गए। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेकर शिवा काशिद सिद्धि जौहर की तरफ निकला सिद्धि से समझौता करने। सिद्धि को बहुत आनंद आया और बोला, आखिर दखन का चूहा हमारे शिकंजे में आ गया। आला ताला की मेहरबानी, आखिर शिवा हमारे कब्जे में आ ही गया। सिद्धि और उसकी सेना आश्वस्त हो गई और इसी मौके का फायदा उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल गए। एक शिवराय निकले सिद्धि से समझौता करने और दूसरे असली शिवराय पहनालगढ़ की पश्चिम दिशा से विशालगढ़ की ओर। शिवा काशिद छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेकर सिद्धि के सामने और सिद्धि चिल्लाया, आओ शिवाजी राजे, आओ आओ। और धीरे धीरे शिवा काशिद आगे बढ़े, सिद्धि भी आगे आया, एक दूसरे को गले लगाया, चलिए राजे। और दोनों सामियाने के अंदर जाने लगे। पर उसी समय दो आंखें शक कर रही थी शिवाजी महाराज पर। वो दो आंखें थी हिफाजत खान की। हिफाजत खान ने कहा, ये शिवाजी नहीं हो सकता, ये शिवाजी नहीं हो सकता। और रुक गया सिद्धि, म्यान से तलवार निकली, शिवा काशिद की गर्दन पर रख दी और बोला, सच बता, तू ही है शिवाजी। और गर्ज उठा शिवा काशिद, अरे हाँ मैं ही हूँ शिवाजी। और फिर पूछा सिद्धि ने हिफाजत खान से, तो कैसे कह सकता है कि ये शिवाजी नहीं है? हिफाजत खान बोला, हुजूर मैंने देखा है शिवाजी को। अफजल खान को मारते वक्त कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने बाईं तरफ इसके सिर पर वार किया था। अगर वो चोट का निशान इसके सिर पर है तो ये शिवाजी है। और सिद्धि शिवा काशिब के पास आया और उनका राजमुकुट उतार दिया। उनके सिर पर वो निशान नहीं था। शिवा काशिद पकड़े गए पर वो डरे नहीं, आंखों की चमक कम नहीं हुई। और अफजल खान ने तलवार निकाली, शिवा काशिद की गर्दन काट डाली। जय शिवा काशिद। शिवा ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। मैं नमन करता हूँ ऐसे वीर को जिनको अपनी मृत्यु का पता था फिर भी डरा नहीं। और दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज तूफानी बारिश और रात के अंधेरे में 1,000 सैनिकों के साथ विशालगढ़ के आसपास पहुंचे। महाराज आए मैसाई मैदान में और उसी समय पीछे से शत्रु की आहट आने लगी थी। तभी बाजी प्रभु देश पांडे सामने आए और बोले, महाराज आप निकलो निकलो।
निकलो महाराज, आप विशालगढ़ में जाओ महाराज, ये बाजी यहाँ रुकेगा, दुश्मन को रोकूंगा, यहाँ से कोई भी मेरे जिंदा रहते आगे नहीं जा पाएगा, आप जाइए महाराज। महाराज बोले, बाजी आप आओ हमारे साथ, जो होगा सो देखा जाएगा। बाजी प्रभु बोले, नहीं महाराज, लाख मरे तो चलेगा, पर लाखों का पालनहार जिंदा रहना चाहिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप निकलो, निकलो महाराज। और चंद सैनिकों को लेकर उस खून खिंड में चट्टान की तरह खड़े हो गए। देखते देखते 12,000 की सेना पहुंची। शौर्यशाली मराठे टूट पड़े मुगलों पर और काटने लगे, खुद को मरा हुआ समझकर मुगलों पर टूट पड़े। खून खिंड की धरती खून पीती रही, चारों तरफ तलवारों की आवाज, खून के फवारे, मांस के टुकड़े, और लगने लगा लाशों का ढेर। और लड़ते हैं बाजी प्रभु। बाजी प्रभु के शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मुगलों ने वार नहीं किया। खून से लथपथ, पर आंखों में क्रोध और स्वराज का जोश, और ऐसा लग रहा था यमराज भी उनके सामने आ गए। पर बाजी प्रभु ने कहा, थोड़ा रुकिए प्रभु, जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंचते और तोप की आवाज सुनाई नहीं देती, तब तक मैं आपके साथ नहीं जा सकता। और लड़ते हैं शौर्य और पराक्रम के साथ, तलवार चलाते हैं बिजली की तरह। तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए, तोप की आवाज उनके कानों तक पहुंची, और बाजी प्रभु ने आखिरी सांस छोड़ी। वो खून खिंड बाजी प्रभु के पराक्रम से पावन हो गई, और वो खून खिंड पावन खिंड में बदल गया। शिवा काशिद के बलिदान और बाजी प्रभु के बलिदान से पहनालगढ़ में फंसे छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे, शिवराज के लिए, अपनी प्रजा के लिए। सिद्धि जौहर से मिलने गया शिवा काशिद, मारा गया। ये खबर महाराज को पता चली, ये खबर महाराज को पता चली। महाराज दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, और अपने साथियों से कहने लगे, हमें शिवा काशिद के गांव जाना है, उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी, उनसे मिलने जाना है हमें। उसका शिवा चला गया अपनी मिट्टी के लिए। तभी उनमें से एक बोला, महाराज महाराज, ये बात बताने मैं जाऊंगा, पर आप अभी बाहर मत जाओ, दुश्मनों के हाथों से अभी अभी बच के निकले हैं आप। महाराज बोले, नहीं मुझे जाना होगा। पर क्यों महाराज? महाराज बोले, शिवा काशिद शिवा बन के नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज बन के गया था, मारा गया वो छत्रपति शिवाजी महाराज था, और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो शिवा काशिद है। और महाराज ने संदेश भेजा शिवा काशिद के गांव में कि महाराज मिलने आ रहे हैं। शिवा काशिद की माँ को बड़ा आनंद हुआ, बरसों का सपना पूरा होने वाला है, अपने स्वराज का राजा खुद हमारे घर आ रहा है। महाराज को देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई, कब आएगा मेरा शिवाजी राजा, कब देखूंगी जी भर के। पूजा का थाल सजाया और महाराज की राह देखने लगी। महाराज आए, शिवा काशिद की माँ सामने आई और बोली, आओ राजा सामने आओ। महाराज को कुछ भी समझ में नहीं आया और मन ही मन बोलने लगे, अरे ये क्यों मेरी आरती उतार रही है, मैं ऐसा कौन सा तीर मार के आया हूं, अरे तेरा पुत्र स्वराज के लिए बलिदान हो गया, ये बताने आए हैं हम। पर महाराज के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और शिवा काशिद की माँ बोली, आओ राजा आओ, अंदर आओ, बैठो राजा बैठो। महाराज नीचे बैठ गए। शिवा काशिद की माँ बोली, बेटा एक बात बोलूं। महाराज बोले, हाँ माँ बोलना बोलना माँ। शिवा काशिद की माँ बोली, अरे पगले इतने बड़े संकट से बच के आया है, सिद्धि के हाथों से बच के आया है तू, तेरी माँ साहिब से मिलने की बजाय मुझसे मिलने आया है तू, पर क्यों? महाराज बोले, तू भी तो मेरी माँ है ना। शिवा काशिद की माँ बोली, नहीं रे राजा, तुझे माँ की ममता समझ में नहीं आई, वहां तेरी राह देख रही होगी, 6 महीने बीत गए तुझे देखा तक नहीं, उसके पास जाना चाहिए था तुम्हें। महाराज बोले, माँ माँ तेरा शिवा चला गया, इसलिए ये दूसरा शिवा तेरे पास आया, तेरा शिवा मिट्टी के लिए बलिदान हो गया माँ, तेरा शिवा चला गया। शिवा काशिद की माँ बोली, क्या ये मेरे को पता नहीं है रे, क्या ये बात मेरे को पता नहीं है,
महाराज चकित हुए और बोले, पर यह बात तुझे कैसे पता चली माँ? ये बात बताने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सिवा कासिद की माँ बोली, अरे पगले, तुझे मैंने यहाँ आते देखा और तू सिर्फ अकेला था। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा सिवा नहीं रहा। अगर मेरा सिवा जिंदा रहता तो आज तेरे साथ आता। महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या कहूं अब इस वक्त, तेरा सिवा नहीं रहा। ये मालूम होते हुए भी तूने मेरा स्वागत किया। तेरा बेटा चल बसा, फिर भी मेरी आरती उतारी। धन्य है तू माँ, धन्य है तू। सिवा कासिद की माँ भी अब रोने लगी। महाराज ने खुद को संभाला और बोले, खुद को संभालो माँ, अपना सिवा सुवराज के लिए, अपनी मिट्टी के लिए बलिदान हुआ है। पर इकलौता बेटा मरने का दुख क्या होता है, मुझे मालूम है। सिवा कासिद की माँ जोर से चिल्लाई, कौन कहता है मेरा सिवा नहीं रहा? अरे मैं तो रो रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को एक ही बेटा क्यों दिया। अगर परमेश्वर ने मुझे चार बेटे दिए होते तो स्वराज के रक्षण के लिए बलिदान कर देती।